यह इस ड्रामा का पार्ट नंबर 16 है, सोलो स्टार्टेड। फिर जियानी रोने लगती है और जिनियन उसके पास आकर उसे शांत कराने लगता है और जियानी उसे बोलती है, मैं सोच रही थी कि अगर जहरान आग में नहीं मरा होगा और वो साइको उसे ले गया होगा तो फिर हमारे पास जहरान को बचाने का चांस है, लेकिन इन वीडियो फुटेजों में विक्टिम को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। अगर वो जहरान को ले गया होगा तो वो जरूर जहरान को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होगा। और जिनियन उसे बोलता है, वो ये सब तुम्हें कमजोर करने के लिए कर रहा है, इसीलिए तुम कमजोर नहीं हो सकती हो। अगर तुम कमजोर हो गई तो मैं कैसे जीतूंगा। जियानियो बोलती है, मेरे पास फुजियो की तरह प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है और ना मैं मेरा डर कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं सिर्फ एक कमजोर बेवकूफ लड़की हूँ, क्या तुम्हें फिर भी मेरी जरूरत है। जिनियन बोलता है, वो बहुत चालाक है और एक साल से मेरे ऊपर नजर रख रहा है। वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है और उसने मेरा कमजोरी भी ढूंढ लिया है और वो तुम पर अटैक कर रहा है क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। क्या तुम इस वजह से मुझसे नफरत करोगी। जियानियो बोलती है, नहीं, ये सब उसने किया है, तुमने नहीं, लेकिन मैं डरती हूँ कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी और तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाऊंगी। और जिनियन बोलता है, उसकी सबसे बड़ी गलती है कि वो सोचता है कि तुम मेरी वीकनेस हो, लेकिन असल में तुम मेरी ताकत हो। फिर पुलिस को उन दोनों विक्टिम्स की डेड बॉडी मिलता है। दिल्ली पुलिस लीडर जिनियन को वो बताने आता है और बोलता है, उन सभी की डेड बॉडी अलग अलग जगह पर मिला है और मर्डर ने उन सभी से कुछ ना कुछ लिया है। मर्डर ने उस लड़की की पिट की स्किन, उस बुरे आदमी से सर का सफेद बाल और उस लड़की से उसका दिल ले लिया है जब वो जिंदा था। और उस लड़के के पास से फुटेज वाला डॉल मिला है जिसका हाथ तोड़ दिया गया है। हमने इन तीनों के बारे में पूछताछ किया है, ये तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और वो लड़की एक रियल एस्टेट एजेंट ही नहीं एक अच्छी कॉलेज स्टूडेंट भी थी और वो बुरा आदमी भी एक इंजीनियर ही नहीं एक अच्छा ऑथर भी था जिसे कुछ बड़े प्राइजेस भी मिला है। मुझे लगता है वो रैंडमली किसी को भी चूज नहीं कर रहा है। और वो लड़की गायब होने से पहले कुछ दिनों से एक सस्पिशियस कार उसका पीछा कर रहा था, शायद वो साइको उस पर नजर रख रहा था और उस साइको ने उस लड़की को काम पे जाते हुए किडनैप किया था और उस बुरे आदमी और लड़के को तब किडनैप किया गया था जब वो लोग किसी से मिलने जा रहे थे और घूमने जा रहे थे। इसलिए हो सकता है कि उस लड़की का किडनैपिंग पहले से प्लान था और बाकी दोनों को अचानक किडनैप किया गया था। फिर जिनियन सब इन्फॉर्मेशन बोर्ड में लिख लेता है और जियानियो को बोलता है, तुम्हें इस मर्डर के बारे में क्या लगता है। जियानियो बोलती है, ज्यादा साइकोपैथ एक ही टाइप का विक्टिम चूज करता है, नहीं तो सभी को एक ही तरीके से मारता है, लेकिन यहाँ तीनों केस डिफरेंट है। और जिनियन बोलता है, लेकिन वो साइकोपैथ मर्डर करने के समय अपना इमोशन नहीं छुपा सकता है और उसके इमोशन से हम उसकी इंटेंशन समझ सकते हैं, इसीलिए हमें उन डेड बॉडी को ठीक से एनालाइज करना पड़ेगा और उसके एरोगेंट बिहेवियर और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो मुझे हरा नहीं पाएगा। मर्डर ने उस लड़की को चाबुक से बहुत मारा था जिससे वो उसे धीरे धीरे टॉर्चर कर मार सके। शायद वो लड़कियों से बहुत ज्यादा नफरत करता है, हो सकता है कि उसके माँ ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था और उसने उस लड़की की स्किन काट लिया था जिससे वो उस लड़की की ब्यूटी बर्बाद कर सके, लेकिन उसने उस लड़की को सेक्सुअली अब्यूज नहीं किया था। शायद बचपन में किसी लड़की ने उसे सेक्सुअली अब्यूज किया था और उसने उस लड़के का दिल निकाल दिया था। इसका मतलब हो सकता है कि वो अपने डैड के पास बड़ा हुआ है, लेकिन उसके डैड उसे बहुत मारते थे और वो लड़का उसके डैड का एक रिफ्लेक्शन है और वो बुरा आदमी हार्ट अटैक से मरा है। उसे कोई भी टॉर्चर नहीं किया गया है और उसने उनका थोड़ा सफेद बाल काट लिया है। मुझे लगता है वो सोचता है कि बुरा होकर मरना भी एक पनिशमेंट है, इसलिए उसने उन्हें टॉर्चर नहीं किया है। और वो डॉल शायद उसे रिप्रेजेंट कर रहा था और उस डॉल के साथ एक डॉग था जिससे कोई भी डेंजर वहां ना आ सके। शायद ये उसका बचपन का कोई ट्रॉमा है और वो शायद चाहता था कि उसे बचपन में कोई वहां से ले जाए। और वो पुलिस लीडर को बोलता है, तुम ये सब इन्फॉर्मेशन से उसे ढूंढ पाओगे, वो साइकोलॉजी के बारे में अच्छे से जानता है, तुम यूएसए के सबसे अच्छे साइकोलॉजी के यूनिवर्सिटी में जाकर ढूंढो, देखो कि वहाँ के कौन से स्टूडेंट में इन्फॉर्मेशन फीड बैठ रहा है। और पुलिस लीडर ठीक है बोलकर चला जाता है और फुजियो जिनियन को कॉल कर बोलता है, जीकुई हांगकांग आई है और पुलिस में लिनियन के बारे में रिपोर्ट किया है और पुलिस ने कंफर्म किया है कि लिनियन मिसिंग है। और जिनियन बोलता है, मैं लिनियन से एक बार मिला था, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो इस केस के साथ रिलेटेड है कि नहीं, लेकिन मैं श्योर हूँ कि लिनियन वो साइको नहीं है। फिर जियानियो जिनियन से पूछती है, तो क्या लिनियन एक विक्टिम है। जिनियन बोलता है, मैं नहीं जानता हूँ, अभी तुम रूम में जाकर सो जाओ, फिर कल तुम अच्छे से रेडी होना। जियानियो पूछती है, क्यों। जिनियन बोलता है, तुम्हें अच्छे से रेडी होकर देखकर मुझे खुशी मिलता है,
इसीलिए मैं और भी अच्छे से सोच पाता हूँ। जियानियो ठीक है बोलकर चली जाती है। फिर सुबह जियानियो उठकर देखती है कि जी नियान अपने रूम में नहीं है, इसीलिए वो जी नियान को कॉल कर पूछती है, तुम कहाँ हो? जी नियान बोलता है, मैं होटल के छत पे हूँ। इसीलिए जियानियो जी नियान के पास जाकर पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जी नियान बोलता है, ये जगह शांत है, इसीलिए मैं अच्छे से सोच पा रहा था। मैंने उस साइको के बारे में जो सब डिस्क्रिप्शन दिया था, वो खुद ही चाहता था कि मैं उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दूँ। और जियानियो बोलती है, तो क्या वो सब फेक था? जीनियन बोलता है, नहीं, वो कॉन्फिडेंट है कि इस सब इन्फॉर्मेशन से हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे, इसीलिए उसने ये सब इन्फॉर्मेशन हमें दिया है। और अब तक उसने अपने अगले टारगेट को चूज कर लिया होगा जिससे वो मुझे हरा देगा। और जियानियो बोलती है, फिर हम क्या करेंगे? जीनियन बोलता है, अगर मैं एरोगेंट होता तो मैं उसे ये सब इन्फॉर्मेशन से ढूंढता, लेकिन मेरा दिमाग साफ साफ सब कुछ समझ रहा है, उसने कुछ गलतियाँ की है। साइकोपैथ अतीत में किसी की नफरत की वजह से मर्डर नहीं करते हैं, बल्कि अपनी खुशी के लिए मर्डर करते हैं। और उसने लड़की को ही सबसे ज्यादा टॉर्चर किया है, जिसका मतलब वो लड़कियों से सबसे ज्यादा नफरत करता है, लड़कियों से नहीं। उसने सिर्फ लड़के का ही मुंह बंद क्यों किया था? और उसने उस बुरे आदमी का सिर्फ बाल ही क्यों लिया है? अगर वो उनका कोई ऑर्गन लेता तो उसे ज्यादा सेटिस्फाई मिलता। और अगर मर्डर करने के बाद उसे उनका बॉडी फेंकना था तो उसने मेहनत कर अलग अलग क्यों फेंका? एक साथ क्यों नहीं? उन दिनों का कोई ना कोई कनेक्शन है जो हमें नहीं पता है। हमें उनके फ्रेंड और फैमिली के साथ बात करना पड़ेगा। फिर वो लोग उनके साथ बात करते हैं और बात करने के बाद जीनियन बोलता है, मुझे सब समझ में आ गया है, वो ये सब अटेंशन पाने के लिए कर रहा है। फिर जीनियन एक मीटिंग बुलाता है, सभी को बोलता है, वो लड़की जिस शहर में रियल एस्टेट एजेंट का काम कर रही थी, वो लड़का भी उसी शहर में रहता था और अपना घर बेचना चाहता था। अगर वो दोनों नहीं मरते तो वो दोनों एक दूसरे से मिलते, और ये अरेंजमेंट साइको ने किया था। एक हैंडसम अनसोसेबल नोवेलिस्ट और एक क्यूट लड़की, इनका एक अच्छा लव स्टोरी होता, उसके लिए वो लोग एक इमेजिनरी फैमिली था। और वो बुरा आदमी उनका डैड था, वो एक चाइनीज टीचर थे जो बच्चों को पोइट्री लिखने के लिए इंस्पायर करते थे, वो बच्चों को कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं करते थे, उसके लिए वो एक अच्छे फादर कैरेक्टर थे। जियानियो बोलती है, फिर उसने किसी को मदर कैरेक्टर क्यों नहीं चूज किया? जिनियन बोलता है, उसका कोई फादर नहीं था, उसने सिर्फ अपने फादर को इमेजिन किया था। वो अपने मॉम के साथ बड़ा हुआ है और अपने मॉम को नफरत करता है। और जब उसका इमेजिनरी फैमिली का स्टोरी खत्म हुआ, तब उसने सभी को अलग अलग फेंक दिया, और वो अब फिर से कोई नई फैमिली क्रिएट करने के लिए नए विक्टिम ढूंढेगा। और पुलिस लीडर पूछता है, तो फिर एक्सप्लोजन के बाद वो हांगकांग क्यों आया है? जिनियन बोलता है, 2 दिन पहले हांगकांग में एनुअल फैंटेसी राइटिंग अवार्ड सेरेमनी था, वो शायद वो सेरेमनी अटेंड करने के लिए आया था। मैंने फुजियो को वो सेरेमनी लिस्ट चेक करने के लिए बोल दिया है। और फुजियो बोलता है, तुम्हारा एनालाइज 7 लोगों के साथ मैच कर रहा है। और जिनियन बोलता है, हमारे पास 7 लोगों को चेक करने का टाइम नहीं है। फुजियो बोलता है, लेकिन तुमने बहुत कम इन्फॉर्मेशन दिया है, अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन दो तो अच्छा होगा। और जिनियन बोलता है, उसे लोगों का दर्द से चिल्लाना पसंद है, लेकिन उसने सिर्फ उस लड़के का मुंह बंद किया था, शायद वो लड़का उसे जानता था। फुजियो, तुम चेक करके देखो कि उन 7ों में से किसे वो लड़का जानता था। और फुजियो चेक कर बोलता है, वो एक आदमी को जानता था, उसका नाम है जानियान, वो साइंस फैंटेसी राइटिंग में सेकंड आया है, और वो लड़का फर्स्ट आया था। वो ये सेरेमनी अटेंड करने के लिए जरूर अपना पासपोर्ट और इन्फॉर्मेशन दिया था, मैं अभी वो चेक करके देखता हूँ। और फुजियो चेक कर बोलता है कि उसने फेक पासपोर्ट दिया है। और तभी एक पुलिस अफसर आकर बोलता है, फिर से एक लड़का और लड़के मिसिंग है। फिर जीनियन और जियानियो वहाँ जाते हैं जहाँ से वो नई लड़की मिसिंग हुई है। और जियानियो पूछती है, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? जीनियन बोलता है, क्योंकि वो एक ज्वेलरी स्टोर में काम करती थी और वहाँ जरूर सीसीटीवी कैमरा होगा। फिर वो लोग वहाँ जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और देखते हैं कि जियानियो ने उस लड़की को अपना नंबर दिया था। और जियानियो बोलती है, उस लड़की ने जरूर उसके साथ कॉन्टेक्ट किया था और फिर उसने उस लड़की को किडनैप कर लिया। और वो लोग आईने के रिफ्लेक्शन में देखते हैं कि वो स्टोर के बाहर कुछ देर तक खड़ा था। और जीनियन स्टोर के बाहर का देखता है कि वहाँ आसपास स्कूल है। और जियानियो उसे बोलती है, वो यहाँ इतनी देर तक खड़ा क्यों था? जीनियन बोलता है, वो अपने अगले विक्टिम को ढूंढ रहा था। और जीनियन फुजियो को फोन कर बोलता है, क्या इस ज्वेलरी शॉप के आसपास के स्कूल में किसी बच्चे को किसी राइटिंग कम्पटिशन के लिए कोई प्राइज मिलने वाला है? चेक करके देखो। फुजियो बोलता है, हाँ, एक बच्चे को मिलने वाला है।
और अवार्ड सेरेमनी एस्ट्रोनॉमी म्यूजियम में अभी है। इसीलिए जीनियन और जियानियो वहाँ जाते हैं और फुजियो भी पुलिस को लेकर वहाँ जाता है। फिर जियानियन वहाँ जाता है और वहाँ का मेन डोर लॉक कर देता है। फिर वहाँ का लाइट ऑफ कर कर बैक डोर से अंदर जाता है। लाइट ऑफ हो जाने की वजह से सभी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। और तभी जियानियन उस बच्चे को लेकर बैक डोर से निकलने जाता है लेकिन जियानियन उसे पकड़ लेता है और वो बच्चे को छोड़कर भाग जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।